तो नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो गाइस, जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले कि लोगों को मॉरेटोरियम की बहुत ज़रूरत है। तो यार क्या क्या हो रहा है, मतलब मान लो कि उनके साथ जो परेशानियां हो रही है, तो क्यों मॉरेटोरियम की इतनी डिमांड कर रहे हैं, क्यों जो पर्सनल लोन वाले लोग हैं कि वो मॉरेटोरियम की डिमांड कर रहे हैं, खास करके छोटी एप्लीकेशन वाले। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज देखो, हो क्या रहा है, जो पब्लिक है जो ऑनलाइन लोन्स ले रही हैं छोटी छोटी लोन एप्लीकेशन से, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको मोरेटोरियम चाहिए कि हाँ कि जो कंपनियां बिल्कुल भी नहीं मान रही हैं, और इधर आरबीआई है जो डिक्लेयर कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी मोरेटोरियम देना है या नहीं देना। तो गाइज यहाँ पे अब क्या करें, लोग ट्वीट कर रहे हैं कि मोरेटोरियम दो, मोरेटोरियम दो, मोरेटोरियम दो, बट इधर आरबीआई मोरेटोरियम को लेकर कुछ बोल भी नहीं रहा। तो कैसे, मान ले क्या पता ये आपके लिए सरप्राइज हो, मॉरेटोरियम मिल भी जाए। जैसा कि पिछली बार हुआ था, मॉरेटोरियम नहीं मिलने वाला था, सब कह रहे थे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट तो क्या पता यार सस्पेंस है आपके लिए, दोबारा मॉरेटोरियम मिल जाए। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो आरबीआई को मॉरेटोरियम के लिए। बट आरबीआई ने एक नया प्लान भी निकाल दिया है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा, उसमें क्या क्या अप्लाई होगा, किसके ऊपर अप्लाई होगा, कौन कौन ले सकता है। तो वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसको जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों देखो, मोरेटोरियम 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 फाइट हो रही है। अब क्या मोरेटोरियम चाहिए तो मोरेटोरियम चाहिए, कुछ पब्लिक को तो हम देख रहे हैं ट्विटर पे कुछ अलग से डिमांड कर रहे होंगे मोरेटोरियम को। कोई बैंक जा रहा होगा, कोई कस्टमर केयर पे कॉल कर रहा होगा, तो कोई कुछ कर रहा होगा। तो गाइस देखो, अब मॉरेटोरियम तो अभी फिलहाल छोड़ दो, अभी जो अगस्त अगस्त आन दो, लास्ट आन दो, तो अब मॉरेटोरियम ही मत सोचो, इतना टेंशन में मत आ जाओ कि मॉरेटोरियम। पहले जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट में जो आपके साथ परेशानी चल रही है, तो पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि उसको सॉल्व कैसे करना है। यार देखो, फ्यूचर का तो बाद में सोचोगे ना, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसका पहले सोचो। ठीक, अब देखो जैसे यार ये लोन कंपनियां वो परेशान कर रही है, बैंकिंग है वो भी परेशान कर रही है, एनबीएफसी है वो भी परेशान कर रही है। बैंकिंग में देखो, बकेट वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जो जिनका एक दो ईएमआई तीन ईएमआई रह गई है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक, अब बात कर लेते हैं ये जो लोन एप्लीकेशन है ये क्यों इतना परेशान करे। तो भाई देखो, मोरेटोरियम देखो, मोरेटोरियम अभी सबके लिए सस्पेंस है, आपके लिए भी, तो कंपनियों के लिए भी सस्पेंस है, क्योंकि कंपनियों को भी नहीं पता कि मोरेटोरियम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको भी अभी बिल्कुल नहीं पता है। तो वो क्या सोच रहे हैं कि यार अभी हमारे पास मौका है कि हम रिकवर कर सकते हैं पैसा, तो वो रिकवर करने में लगे हुए हैं। भाई ये एक्चुअली में हो ही रहा है, सच बताऊं तो बैंकिंग सेक्टर में भी हो रहा है। ठीक, तो रिकवर करने में सारे लगे हुए हैं। देखो अभी इस टाइम पर ना कोई फीलिंग कोई इमोशन कोई नहीं समझ रहा भाई, क्योंकि देखो जिसका पे आउट नहीं आएगा ना उसका प्रॉब्लम हो गई होगा। तो भाई, तो जो ये लोन कंपनीज है वो उनको प्रेशर किया जा रहा है इसके लिए कि करो इस चीज को करो। तो आप यार देखो, कंप्लेंट करते हो तो मैंने हमेशा बोला है कि कंपनी के नाम पे कंप्लेंट करो, ना कि उस एजेंट के नाम पे। एजेंट आपको गाली गलौज करेगा, देखो यार ट्विटर ट्वीट देख सकते हो कैसे फैमिली मेंबर्स को गाली गलौज करते हैं, गालियां देते हैं, बट देखो यार फैमिली को, पापा मम्मी सबको गालियां पड़ती है। तो पहले एक चीज़ देख लो कि लोन लेने से पहले इतना एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसके बाद इतना हरासमेंट करते हैं, ये आपकी भूल थी कि आपने इससे लोन ले लिया, बट आपको अब पता लग गया कि ये कंपनी कितनी बेकार है और क्या क्या कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले जाके ना इसके एमसीए में जरूर कंप्लेंट कर देना। देखो अब बात रही कि क्या इनके ऊपर कोई एक्शन होगा कंप्लेंट करने के बाद भी, तो गाइस देखो कि जो एमसीए है वो कंपनी को ना वो कर देती है, मतलब नोटिफिकेशन भेज देती है कि आपकी ओर से कंप्लेंट आई है, कस्टमर ने कंप्लेंट करी है आपकी कंपनी की, आप अपनी कंपनी को देखो। तो क्या होता है कि आपके पास ना कॉलिंग स्टॉप करवा दी जाती है। अगर जिसने किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि भैया हाँ मैंने कंप्लेंट करी थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो भाई कोई अदर साइट में आपको जरूर बताऊंगा जिससे आपको सॉल्यूशन मिले। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ठीक, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, अगली वीडियो जरूर देखना जो आरबीआई का नया प्लान आया है, ठीक, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।